धूपगुड़ी एवं नागराकाटा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार विष्णु पदोराय एवं पूना भेंगड़ा के समर्थन में भाजपा के कद्दावर नेताओं ने की आज रोड शो एवं रैली। देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से जुड़े रहें। हम लोगों के सामने हमारा एसपी मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट समीर उराव जी। सम्मान्य समीर उराव जी नेशनल प्रेसिडेंट एसपी मोर्चा साथी संसद आपका स्वागत करते हैं। रैली के दौरान मालदा विधानसभा क्षेत्र के सांसद खोगेन मुर्मू एवं अलीपुर द्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बारला एवं ज्वेल ओराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान डिफेंस कमेटी के चेयरमैन उपस्थित थे। सभी ने दोनों प्रत्याशियों के जीत के लिए जनता से आह्वान किया। आज बालाहाट बाजार से रैली होते हुए कमल छाप में वोट दे के विजय बनाइए। आप लोग दंगा भगवान लाइन के सब इंजन ने सरकार बनाए थे, बदल लेना है। और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के और से बिरसा मुंडा सिद्धू कानू स्वाभिमान यात्रा परिवर्तन यात्रा चालू है। आज हमारे साथ मैं ज्वेल ओराम, पूर्व केंद्र मंत्री भारत सरकार के, अभी पूर्व मंत्री था, अभी डिफेंस कमेटी का चेयरमैन हूँ, एमपी हूँ लोकसभा का। हमारा साथ एसटी मोर्चा का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हमारे समीर उराव जी है, राज्यसभा एमपी है। जॉन बारला हमारा यहाँ का लोकल एमपी है। खोगेन मुर्मू हमारा मालदा का एमपी है। और हमारा शिवशंकर उराव ये हमारा एसटी मोर्चा झारखंड प्रदेश का प्रेसिडेंट है। हमारा कैंडिडेट विष्णुपद राय और कैंडिडेट पूनम भेंगरा ये हम लोग के साथ हैं। हम अभी इस रथ में चढ़ेंगे, ये रथ का यात्रा अब होगा 200-300 किलोमीटर का दिल्ली का। कल हम लोग मदारी हाट एरिया में मनोज तिगा का एरिया में घुमाघमी करके आज इस एरिया में दोनों क्या क्या एरिया नागराकाटा और धूपगुड़ी ये दोनों सीट में हम लोग घूमेंगे। यहाँ जनजाति के लिए पहला मंत्रालय बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सरकार अटल बिहारी वाजपेयी है और उसका पहला मंत्री मैं हूँ। इतना साल तक इस देश में कांग्रेस पार्टी वाम मोर्चा ये लोग शासन किया, लेकिन आदिवासी का समस्या, चाय बागान का समस्या, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं था, कोई मंत्रालय नहीं था। मैं पहला बार मंत्री बनने के बाद भारत सरकार में उस समय में मेरे को 800 करोड़ का बजट दिया गया था, अभी 8000 करोड़ का बजट है। अर्जुन मुंडा हमारे मंत्री हैं और रेणुका चौधरी बहन जी हमारा एमओएस ट्राइबल अफेयर्स है। ये अलग से कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी का समय में ही बन गया। नेशनल एसटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि बहुत कम सूद में जनजाति लोगों को, आदिवासी लोगों को सूद माने लोन मिलता है, उसका भी हमारा सरकार का समय में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में बनाया। और उसके साथ साथ ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस
जो जनजाति का उपज को उसका विपणन करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए ट्राइफेड बोल के एक संस्था भी आप है जो कि काम कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद सबसे महत्व दिया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए, जो कि जिस ब्लॉक में भी 20,000 से ज़्यादा आदिवासी है या 50% से ज़्यादा है, उस लोगों को आपका अब पढ़ाई के लिए 6 क्लास लेके 12 क्लास तक टोटल फ्री आपका ये हम लोग किया है। ये गेम चेंजर होगा हमारा SC ST में। आप पहले एजुकेशन कम होने के कारण हम लोग पीछे रह जाते थे, अभी एजुकेशन बढ़ने के कारण हम लोग आगे आएंगे और इंजीनियरिंग मेडिकल और बाकी सब में हम लोग अच्छी तरह से हमारा बच्चे प्रवेश लेंगे, प्रविष्ट होंगे और अच्छा काम होगा। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ये जनधन योजना हुआ, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका ट्राइबल लोगों में खाता खुला, आपका गैस का जो प्रचलन हुआ, आपका उज्ज्वला गैस हुआ, इसका भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका ट्राइबल लोगों को हुआ। यहाँ 1,000 करोड़ रुपया हम लोग चाय बागान एरिया के विकास के लिए, लोगों का विकास के लिए किया है, योजना किया है, नरेंद्र मोदी घोषणा किया है और वो लागू होगा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ का सरकार, राज्य सरकार इसको लागू होने नहीं दे रहा है। आप चाय बागान एरिया में प्रधानमंत्री आवास घर बनने के लिए नहीं दे रहा है, आप वहाँ बिजली नहीं लग सकता है, रोड नहीं बन सकता है, ये सब का समाधान हम करेंगे। हमारा जो घोषणा पत्र BJP का मैनिफेस्टो, ये सब में इस बात को बताया है, स्पेसिफिकली बंगाल के लिए और भी अलग चीज़ बताया है कि हम लोग बहनों को एजुकेशन में सबसे महत्व देंगे और बाकी सब में हम आगे बढ़ाएंगे, ये सब हम लोग इसमें दिया है। कल से तो नहीं, हम लोग यहाँ से 4 तारीख से, 4 तारीख में कुछ मीटिंग मैंने किया, 5 तारीख में कुछ मीटिंग किया, कल 6 तारीख में मैं मीटिंग कर रहा हूँ और आज 7 तारीख में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि इस एरिया में जलपाईगुड़ी का 5 सीट, आपका अलीपुर द्वार का 4 सीट, आपका कूच बिहार तो कल प्रधानमंत्री जी का भाषण हो चुका है और दार्जिलिंग का, ये सारे सीट जो है इस इलाका का, नॉर्थ बंगाल का, हम भारतीय जनता पार्टी इस बार दखल करेगा और हमारा वेस्ट बंगाल में सरकार बनेगा। इलाके में सिर्फ एकलव्य स्कूल हुआ है और 150 किलोमीटर का द्वार एरिया है जहां आदिवासियों की संख्या, हर ब्लॉक में होगा, हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होगा जहां 20,000 से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो आप चिंता मत करिए, इस एरिया में मॉडल स्कूल भर जाएगा। लेकिन राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, राज्य सरकार 2 साल हुआ ये योजना लागू हुआ लेकिन जमीन नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जॉन बरला को कि हमारा कर्मा महोत्सव के लिए वो छुट्टी मंजूर करवाया है और ये भी हम लोग का प्रयास के कारण हुआ है। जुल बाबू, आप पहले भी 4 साल पहले भी इस एरिया में आ चुके हैं। मैं 20 साल पहले से इस एरिया में आ रहा हूँ। इस एरिया का आदिवासी लोगों के लिए या लोकल लोगों के लिए कोई वार्ता देने चाहते हैं? हाँ, नेशनल हाईवे छोड़ के बाकी सब काम पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे जो अटल जी सरकार का नेशनल हाईवे के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण रास्ता तो बढ़िया बना है, लेकिन बाकी गांव का रोड नहीं, रास्ता नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, शिक्षा नहीं, ये सबका मूलभूत सुविधा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमारा दोनों कैंडिडेट यहाँ का इनको भारी संख्या में वोट देके जिताने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। अच्छा, दीर्घ दिनों से चाय बागान क्षेत्रों में लोगों का न्यूनतम मजदूरी और जमीन का पट्टा का जो मांग है, इसको लेकर आप लोग सरकार बनने के बाद कितने दिनों में पूरा करेंगे? हम उसको 1 महीना के अंदर में पूरा कर देंगे। थैंक यू, चलिए। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग
इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें, एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्योरीफायर कीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फिजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।